सो गाइस फिरोज चलाने वाला है मेरा स्कूटी और मैं चलाऊंगा उसका R15। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो सारे? होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। तो यार काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एटलीस्ट 10 दिन तो हो गए होंगे। वैसे तो मैं हफ्ते में एक ब्लॉग अपलोड करता हूँ, पर कभी कभार ऐसे गैप आ जाते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसा गैप आ जाता है कभी कभार, तो ऐसा होता रहता है। तो काफ़ी सारे लोग घर से निकल रहे, बाहर जाके घूम रहे, मतलब आउट ऑफ स्टेट जाके घूम रहे, आउट ऑफ स्टेशन जाके घूम रहे, और मेरा नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरा ऑफिस का काम रहता है जिसकी वजह से मैं निकल नहीं पाता, और घर पर भी काफ़ी सारा काम रहता है। तो कुछ दिन बाद मैं प्लान करूँगा, जब करूँगा तब बताऊँगा, अभी पहले से ही बता के कोई प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। तो सडनली प्लान करेंगे और सडनली निकल जाएंगे, तो जब निकलेंगे तब देखा जाएगा। तो आज संडे और मैं सोच रहा हूँ कि आसपास कहीं पे निकलूँ, क्योंकि लास्ट संडे को भी मैं घर से निकला नहीं, पूरा दिन घर पे ही था। मैंने फरहाद को कॉल किया था, फरहाद अपने दुकान पे है, तो लौटते लौटते उसको शाम हो जाएगा और बाकी सारे लोग भी बिजी है तो निकल नहीं पाएंगे। तो अभी मैं निकलने वाला हूँ फिरोज के साथ में, और फिरोज निकलने वाले हैं, और अभी राहुल को भी कॉल करूँगा, राहुल अगर फ्री रहा तो वो भी निकलेगा, और दूसरा एक बंदा है उसको भी कॉल करूँगा, अगर वो निकलेगा तो सही, नहीं तो मैं और फिरोज अकेले जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे अभी तक डिसाइड नहीं किया, फिरोज आ रहा है मॉल के सामने, उसके बाद डिसाइड करेंगे कहाँ पे जाना है। तो वीडियो देखते रहो, आपको पता चल जाएगा। राइट, तो मैं 3 बजे आ गया था राइट से अपने घर पे, और अभी शाम के बज रहे थे। अभी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आने के बाद वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, दिमाग पूरा ख़राब हो गया था, क्योंकि हम लोग गए थे राइट पे और मैंने मोटो ब्लॉग किया था, वो भी अपने स्कूटी पे नहीं, फिरोज के R15 पे किया था, और हम लोग गए थे आश्रम यूनिवर्सिटी के साइड पे, तो उस साइड पे काफ़ी अच्छा कॉर्नरिंग करने को मिलता है, तो मैंने कॉर्नरिंग किया बहुत ही बढ़िया सा और वीडियो भी काफ़ी अच्छा बना। उसके बाद जब मैं घर पे आया, अपना फुटेज चेक किया तो देखा सारा जितने भी फुटेज है सारे के सारे फुटेजेस पे एक्सपोजर हाई दिखा रहा था, मतलब बाइक का जितना भी पोर्शन है वो क्लियरली दिखा रहा था और बाकी जितना भी पोर्शन है वो सारा व्हाइट दिखा रहा था, कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। तो इतना मेहनत करके मैंने वीडियो बनाया था, वो भी हफ्ते में एक दिन मिलता है, पिछले हफ्ते वीडियो नहीं बना पाया था, इस हफ्ते चलो टाइम मिल गया तो वीडियो बनाया मैंने और ये हो गया। तो अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा ट्रिम करके दिखाऊंगा, जितने भी जगह पे शेडो था उस जगह पे थोड़ा बहुत क्लियर दिखाई दे रहा था, और जिन पे सनलाइट था वो पूरा वाइट हो गया था। तो पता नहीं गोप्रो पे क्या हुआ, कुछ दिन पहले 2-3 वीडियो मेरा ख़राब हो गया था, ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया था, और अभी ये सब कर रहा है तो पूरा दिमाग ख़राब करके रखा है गोप्रो ने, लगता है उसको चेंज करने का टाइम आ गया। और ये सब फुटेजेस देखने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत एडिट करके एक्सपोजर लो करके वीडियो को अपलोड कर दूंगा, थोड़ा बहुत क्लियरिटी आ जाएगा, पर मैंने वो ट्राई करके देख लिया, वीडियो जैसा है वैसा ही दिख रहा है। मोटो ब्लॉग करते समय मैं अपने माइक से वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ अपने फ़ोन पर लगा के, क्योंकि मेरे पास एडाप्टर नहीं है, तो जब मैं वीडियो एडिट करता हूँ उसके बाद वीडियो के साथ अपना वॉइस सिंक कर देता हूँ, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो पे मैं ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि जिस जगह पे मैंने बात किया है उस जगह पे सनलाइट था तो वीडियो पूरा वाइट हो गया था, कुछ क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। तो अभी मैं जितना भी फुटेज निकलेगा उस पर म्यूज़िक डाल दूँगा, और जितना देखना है आपको देख लीजिए, हो सकता है ये वीडियो आपको अच्छा ना भी लगे, पर क्या करें, मैंने ट्राई किया। और आज संडे है और संडे को मैंने वीडियो बनाया था, कल से अपने ऑफिस पे लग जाऊंगा तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा। अगर ऐसा होता कि मेरे पास डेली टाइम होता तो आज का वीडियो मैं डिलीट ही कर देता, मैं अपलोड ही नहीं करता, पर क्या करें, मेरे हाथ पर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगला वीडियो बनाते बनाते मुझे दूसरा हफ्ता लग जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीक बनाना पड़ेगा नेक्स्ट संडे को, तो चैनल पर काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाएगा, तो मुझे ये वीडियो ना चाहते हुए भी अपलोड करना पड़ रहा है, तो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप जाके ये वाला फुटेज देखो और उसके बाद मिलते हैं आपसे।
कहाँ से तो यार मिस्टर फिरोज, तो अभी हम लोग डिसाइड करके कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाना है डिसाइड करो। निकलते हैं सीधा यहाँ पे। मैंने बोला था कुंभा जाने के लिए तो इसने डिनाई कर दिया, बोला कि बहुत बार जा चुका है। तो अभी आसाम यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हैं ना। चलते हैं, तो चलते हैं। सो गाइस, फिरोज चलाने वाला है मेरा स्कूटी और मैं चलाऊंगा उसका R15। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी निकलते हैं और बहुत दिनों के बाद R15 चला रहा हूँ तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, उसके बाद आ जाएगा अपने हाथ में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आसाम यूनिवर्सिटी की तरफ। बहुत दिनों से उधर गया नहीं और उधर मैंने मोटो ब्लॉग भी काफ़ी कम किया है। आ गए हम आसाम यूनिवर्सिटी के सामने। तो ये रहा हमारा आसाम यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे रुक के थंबनेल के लिए फ़ोटो लिया था मैंने और अभी फिरोज का फ़ोटो ले रहा हूँ। तुम्हारा बाइक आ रहा, थोड़ा आ गया ना। तो आसाम यूनिवर्सिटी के सामने थोड़ी देर रुके थे हम लोग, यहाँ पे फ़ोटो वोटो क्लिक किया और थंबनेल भी लिया और फिरोज भी आया था लेकिन उसने मोटो ब्लॉग नहीं किया, कैमरा साथ में लेके आया था, एडाप्टर भी नहीं लाया, मूड नहीं बनाया इस मतलब करने का, उसका मूड नहीं, एक्चुअली लेट हो गया था और भाई ने एक घंटा लेट कर दिया फिरोज को। कभी लेट हो गया निकलते और हमारा भी लेट हो गया बहुत, 11 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलते तो अच्छा होता। अगर मतलब कल रात को मतलब अगर हम लोग मतलब प्लान करते ना तो ये राइड काफी अच्छा होता। और जो रोड्स है ना मतलब माशाल्लाह काफी कमाल के रोड है, मतलब बिल्कुल मक्खन जैसे रोड है ये जो रोड है ना, कॉर्नरिंग के लिए बेस्ट रोड है, बेस्ट रोड है मेरे। मैं जाते समय अपना स्कूटी चलाऊंगा, स्कूटी पे कॉर्नरिंग पे उतना मजा नहीं आता, जाते समय फिरोज अपना ब्लैक डॉग चलाएगा तब पता चलेगा और इंशाल्लाह मतलब शायद आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी कुछ दिन के अंदर एक शायद लॉन्ग राइड होगा शिलोंग के लिए, शायद इंशाल्लाह हो सकता है अगर प्लान करेंगे जगह। अल्हम्दुलिल्लाह ये राइड एग्जीक्यूट हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत सारे करते हैं लेकिन राइड के टाइम पे कोई नहीं निकलता है बस। हाँ सही है, सबका एक्सक्यूज रहता है ना। प्लान बनता है, प्लान बनते समय 10-12 लोग हो जाते हैं ग्रुप पे, लेकिन 2020 जाते समय, हाँ जाते समय एक दो लोग ही जा पाते ये सबके साथ होता है। इंशाल्लाह ट्राई करेंगे 2021 के अंदर एक लॉन्ग राइड करें, ठीक है, लॉन्ग राइड करेंगे। और नेक्स्ट ईयर से अगर ये कोरोना का मसला जो है ना ये अगर हल हो जाता है और एक दो साल के अंदर मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो अभी निकलते हैं और सामने जाके कुछ खाते हैं क्योंकि भूख भी बहुत ज्यादा लगा है, सुबह सुबह कुछ खाया नहीं और सुबह सुबह कुछ खाया भी नहीं जाता। तो अभी सामने जाते हैं और जाके कुछ खाते हैं और फिरोज को कॉर्नरिंग का मजा लेने देते हैं। पार्टी दीबो फिरोज, पार्टी दीबो फिरोज, पार्टी फिरोज, पार्टी दीबो। तो फिरोज पार्टी देगा या नहीं वो तो बाद में। तैयार है, हम खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ये अल्लाह का बंदा है, किसी को चाहिए तो आ जाना, हम खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यो यो भाई साहब, क्या हुआ इनको, इनका क्या हुआ? आज राहुल को नहीं दिखाया मैंने, राहुल का मूड बहुत ज्यादा खराब है इसलिए राहुल वीडियो पे नहीं आ रहा है। और राहुल ने आज राइड भी नहीं किया, पीछे बैठा हुआ था। राहुल क्या हुआ तुम्हें, हो क्या गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ ना, चलो कोई बात नहीं। तो अभी निकलते, तुम्हें भूख लगा है क्या? नहीं मुझे इतना नहीं लगा, उतना नहीं लगा, चलो चलते और स्कूटी सही है, कॉर्नरिंग नहीं करना क्या? तुम हो लेकिन तुम बता नहीं रहे हो। तो बंदे को स्कूटी चलाने में मजा आ रहा है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक डियो है और उसको डियो की याद आ गई है बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो गाइस अभी निकलते और वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो अभी वीडियो ना बनाते हुए अभी निकलते और जाके सामने कुछ खाते है, उसके बाद देखते है क्या होता है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, आई गेस उतना अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि मुझे जितना दिखाना था वो आपको दिखा नहीं पाया, मैंने मोटो ब्लॉग किया था वो भी दिखा नहीं पाया। तो क्या ही अच्छा लगेगा आपको, फिर भी एक लाइक ठोक देना क्योंकि फ्री में होता है। तो नेक्स्ट संडे कोई ना कोई प्लान बनाते हैं, कोई अच्छा राइड प्लान करते हैं और
अपने गोपरों को सही से चेक करके उसके बाद निकलते। अगर मैंने फिर से वीडियो बना दिया और ऐसा गंदा फुटेज आया तो मैं अपना गोपरों ही तोड़ दूंगा। तो गोपरों चेक करना पड़ेगा, उसके बाद निकलना पड़ेगा। तो इस वीडियो पे बस इतना ही, अभी मैं निकलने वाला हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा बहुत घूम के आते हैं फरहत के घर पे, राहुल भी आएगा और बाकी सारे लोग आएंगे। और जंक फूड तो आपको पता है, संडे इवनिंग को खाते हैं हम लोग। तो उसके बाद मैं घर पे आ जाऊंगा, तो मैं ब्लॉग नहीं बनाने वाला, तो इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं। तो इस वीडियो पे बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। टिल देन।